हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की सभी कर्मचारियों के लिए। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। कार्मिक विभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जिसमें बात कही गई है, समस्त राज सेवकों द्वारा अपन अचल संपत्ति विवरण SSO ID के माध्यम से राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल के द्वारा ऑनलाइन IPR भरने के संबंध में बात कही गई है। IPR जैसे कि इनकम से रिलेटेड अपनी अचल संपत्ति का विवरण भरना है तो समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण अपने स्वयं के SSO लॉगिन ID से हर बार की तरह इस बार भी भरना है राजकाज सॉफ्टवेयर में, और IPR मॉड्यूल के द्वारा इसको ऑनलाइन IPR करना है। अब इसमें क्या करना है बता दें आपको, जिस प्रकार ऑर्डर जारी हो चुका है कि समस्त राज सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है और इसमें निम्न प्रकार के बिंदु भी शामिल है। तो 1 जनवरी 2024 को आधार मानते हुए आपके पास जो भी अचल संपत्ति विवरण है वो भरना है। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। प्रतिवर्ष की भांति ईश्वर भी राज्य के समस्त राज सेवकों द्वारा वर्ष 2023 1 जनवरी 2024 की स्थिति में का अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। यानी आपको अपनी संपत्ति का जो भी है डिटेल अपडेट करना है 1 जनवरी की स्थिति में, 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, और आपको भरना है। लास्ट डेट जो बताया गया है 31 जनवरी 2024 तक। 31 जनवरी के पश्चात IPR का मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा, इसके पश्चात आपका अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा जाएगा। तो IPR भरना पड़ेगा आपको SSO ID के माध्यम से। इसके साथ ही राज सेवक अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। पदोन्नति के संबंध में भी कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/1/2023 स्पष्ट की गई है कि अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने वाले राज सेवक कर्मचारियों की पदोन्नति उपरांत प्रशासन विभाग के द्वारा पदोन्नति आदेश तब तक जारी भी नहीं किए जाएंगे जब तक ये अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। पदोन्नति आदेश में स्पष्ट किया जाए कि उसके पदोन्नति आदेश किस कारण से रोके गए हैं। ऐसे पदोन्नत राजसेवक को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ वृत्ति दिनांक से तथा वास्तविक लाभ पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दे होगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थान और उपक्रम पर भी लागू है। तो समस्त राजसेवकों को SSO ID से राजकाज सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन IPR भरना है। किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के लिए भी इस पर प्रथम IT अधिकारी के संपर्क नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ ही बात करें तो समस्त प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव विभाग उपयुक्त बिंदुओं के आधार यह निर्दिष्ट किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्य समस्त राजसेवक बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्था, उपक्रम में कार्य राजसेवकों को अपना अचल संपत्ति विवरण SSO ID से राजकाज सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन समय सीमा में पूर्ति कराए जाने के लिए निर्देशित करें। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है कि अपने अचल संपत्ति विवरण जल्द से जल्द ऑनलाइन करें। वैसे अभी 1 जनवरी से ये शुरू है और इसके साथ 1 जनवरी की स्थिति में ही अपना अचल संपत्ति विवरण भरना है और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपके पास अचल संपत्ति जो भी है वो आपको दर्ज करना है, IPR भरना है। समस्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।